हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या है वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं कि आज के दिन उनके लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। रीडिंग उनके लिए हो सकती है ज़्यादातर मैच की, जिनकी सिचुएशन नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है, या फिर दिल की बात है ना, खुल के नहीं कर पाते। और रीडिंग अगेन जनरल कलेक्टिव, कुछ मैसेजेस जैसे आपके लिए स्पेसिफिक एकदम आपके लिए बने हो, कुछ मैसेज बिल्कुल नहीं हो और कुछ कुछ हो। तो पॉजिटिव जो लगता है ना, प्लीज़ उसे ही सुनना है, इस बात का ध्यान रहे। Balancing energies, reaching out, unconditional love। क्या बात है, आज क्या खाया था आप लोगों ने? Loyalty, infatuation and bottom deck है, expect miracle। भाई अगर शांति रीडिंग अपने देखी नहीं है, अगर मन करे तो जरूर देखिए। Something very connecting, very specific फॉर फ्यू पीपल, लाइक जिनके लिए जैसे हो, फ्यू पीपल या सब लोग के लिए जो भी हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आज की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एकदम अचानक से ऑल ऑफ अ सडन या कुछ तो क्या मिराकुलसली कुछ हो सकता है कि अचानक से इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। यस, कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक डिज़ायर है वो इंक्रीज होता है नज़र आइए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना मिलना हो आपको, लाइक एक मतलब है ना, आप हमेशा आसपास होने की एनर्जी फील होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील होती है कि नहीं है वो इंसान, या फिर एक सच्चे प्यार कैसा ना, अनकंडीशनल लव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फुल मून है या आपके मैनिफेस्टेशंस है या कुछ है ना, बहुत गहरा असर कर चुका है इस इंसान के ऊपर, और इस इंसान को ना उस प्यार का एहसास हो रहा है जो आपने उनसे बहुत तहे दिल से किया था। अभी वो चीज़ है ना, जैसे ना बाउंस बैक हो रहा है, वही पॉजिटिव एनर्जी बाउंस बैक हो रही है कि उस इंसान को जैसे एक ट्रिगर हो रहा है कि हाँ, यही होता है सच्चा प्यार। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ये बेहद ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज़ को समझ चुके हैं कि ये इनका ज़िद, ईगो या पजेसिवनेस या कुछ भी है, या ट्रस्ट फैक्टर है। इन्होंने बहुत गलत किया, गलत सोचा, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी तरफ है वो क्लियर करना भी ज़रूरत है। बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे को, एक दूसरे के लिए ना, आप एक दूसरे को ना, जितना आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, अधूरे फील होते ना, उतना ही आप एक दूसरे के साथ पूरे हो जाते हो। और दे वॉन्ट टू रीच आउट, लाइक ना आपसे बात करना चाहते हैं, और लिटरली वो भी अपनी लाइफ में एक मिराकल को एक्सपेक्ट करे हैं, अनजाने में से एक्सपेक्ट मिराकल करे कि काश ऐसा कुछ हो कि जो लाइक मुझे मेरे प्यार से मिला दे, मुझे मेरे प्यार से। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव। जैसे ये होता है कि कितना कुछ हो गया यार, लेकिन आपने कभी उनसे प्यार करना नहीं छोड़ा। कितना कुछ हो गया, कितना कुछ बदल गया। आई वॉन्ट हियर नेक्स्ट टू मी, आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिला। और ऐसा लगता है कि ना, जैसे ये मिराकुलसली एक्सपेक्ट करे कि अभी आप उनके पास में हो, अभी उनके साथ में हो। दे आर मिसिंग यू अलॉट, आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो अभी ना उनको अपनी गलतियों का, अपने जो बिहेवियर का ना एम्बेरसमेंट फील हो, शर्मिंदा फील हो रहा है। क्या लग रहा है, हिंदी बेकार होती चल रही है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। वो किसी और के लिए वो डिज़ायर नहीं फील करते, जो फीलिंग है ना आपके लिए हो, वो यूनिक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये डेफिनेटली ऐसा ना कि
कोई ना कोई रियलाइजेशन ज़रूर है यार, बहुत ज़्यादा, लाइक जिन्हों जिन मतलब मैनिफेस्टेशन असर हो, फुल मून का असर हो, कार्मिक रिलीज हो, कुछ तो है यार, एकदम जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लग रही है मुझे। ये इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में है, जो खूबसूरत है। आई कैप द टेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस है वो संभाल के रखे हैं, स्पेशली वो प्यार भरी बातें, वो प्यार भरी बातें बहुत ज़्यादा। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच आई वॉन्ट टू, ये लिटरली अपने आप से हेट करते हैं, नफरत करते हैं कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, कर नहीं सकते इस बात के लिए। आई रियली हैवन्ट बीन हैप्पी विदाउट यू, आपके बगैर वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खुश नहीं है। आई स्टॉक यू, सो नज़र तो है आपके ऊपर, बिल्कुल नज़र तो है आपके ऊपर। आई फील लाइक यू आर मूव ऑन फ्रॉम मी, ऐसा लगता है कि जैसे आपने मूव ऑन कर लिया हो कहीं इस इनसिक्योरिटीज डर के मारे, तो उनको रियलाइज नहीं हो रहा है भाई, टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, आपका ही इंतज़ार है उनको अपनी लाइफ में। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आपके होने से उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव है, जो वो अलग ही है, जैसे कि कभी ना सोचा था ऐसी वो पल आपके साथ फील किए, और अभी भी वो अलग ही दुनिया फील करते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ये थी खूबसूरत रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।